बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लारेब्स किचन। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और इंशाल्लाह आप तमाम लोगों के रोज़े बहुत अच्छे से गुजर रहे होंगे। आज सेकंड इफ्तार की तैयारी हो रही है, तो बस अभी ज़ोहर और कुरान शरीफ पढ़कर मैं आई हूँ। और मैंने दूध बॉयल करने के लिए रखा है क्योंकि मुझे कस्टर्ड बनाना है, और दूसरा शरबत बनाने के लिए अभी मैंने पानी में चीनी वगैरह डाल कर रखी है ताकि इसे अच्छी तरह से विस्क कर रही हूँ ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए, और उसके बाद फिर हम शरबत बनाएंगे, इसको तैयार करेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको रखेंगे ताकि चीनी अच्छे से मिक्स हो जाएगी। और इसे एक साइड पे रखकर फिर मैं चावल निकालती हूँ, क्योंकि जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो हम पहले से तैयारी करके रख लेते हैं ताकि बाद में मुझे परेशानी ना हो। तो मैंने चावल निकाले हैं और एक कप चावल लिया है मैंने। इसे साफ़ करके और अच्छी तरह से मैं धोकर रख दूँगी इसको, पानी डालकर तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगो कर रखना है इसको, चावलों को। तो ये मैंने अच्छे से वॉश कर लिए हैं और इसमें पानी डालकर मैं एक साइड पे करके रख दूँगी। फिर आगे और मज़ीद काम करते हैं। और अब चीनी हमारी अच्छे से घुल चुकी है, तो उसमें हमने टैंक शामिल किया है और इसे अच्छी तरह से करके और इसमें पानी डालकर फिर मैं इसको फ्रीज करके रख दूँगी ताकि ये अच्छे से चिल हो जाए, ठंडा हो जाए खूब अच्छी तरह से। तो बस खाना बनाने से पहले मेरा काम यही होता है कि जो शुरू की चीज़ें होती हैं वो मैं रेडी करके रखूं ताकि मुझे बाद में जो है वो परेशानी नहीं हो। तो ये बस सेकंड इफ्तारी की तैयारी हो रही है। और दूसरी साइड पे मैंने थोड़ा पानी रखा है और जेली का मतलब तैयार करके रख रही हूँ मैं अच्छी तरह से। जेली हो जाएगी तो 2 कलर में जेली मुझे बनानी है, तो ये जब अच्छे से हो जाएगी तो फिर मैं इसको भी निकाल के और ठंडा करके रख दूँगी। फिर उसके बाद जो है वो हम फिर कस्टर्ड की तैयारी शुरू करेंगे। तो अभी ये हो जाए, उसके बाद मैं ग्रीन कलर का शुरू करूँगी। ये ग्रीन कलर की जेली है तो ये मैं बना रही हूँ। तो बस दोनों जेलियाँ रेडी हो चुकी हैं, तो अब हम दूध में जो है वो चीनी डाल रहे हैं। अपने हिसाब से शुगर ऐड कीजिए इसमें कि आपको कितना मीठा चाहिए। और दूध अच्छे से बॉईल हो चुका है, हालांकि मैं पहले बॉईल कर चुकी थी दूध को, लेकिन वो थोड़ा सा ठंडा हो गया था तो इसलिए दोबारा से मैंने फ्लेम ऑन करके रखा है। और दूसरी साइड पे मैंने कस्टर्ड दूध के अंदर मिक्स कर लिया था, वो मैं शामिल कर रही हूँ इसको। अच्छा, इसे जो है कस्टर्ड को बहुत ज़्यादा आपने थिक नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए, आपने इसे थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में रखना है कि बहुत ज़्यादा मतलब गाढ़ा नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जो कस्टर्ड बना रहे हैं वो हमें किसी बाउल वगैरह में सर्व नहीं करना है, वो हम ग्लासेस में निकालेंगे। तो वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमें करना है। ये देखें अच्छी तरह से तैयार हो रहा है, पक रहा है ये। तो कस्टर्ड हमारा रेडी हो चुका है और अब हमने ग्लासेस में जो है नीचे की साइड पर हमने पहले ग्रीन कलर की जो जेली है वो स्लाइस्ड करके रखे थे वो हमने डाले हैं, अब हम इसे ग्लासेस में निकाल रहे हैं। और ये भी गर्म है कस्टर्ड। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमने बराबर बराबर का ग्लासेस में कर लिया है। और फिर उसके बाद हमने रेड कलर की जेली जो है वो हमने इसमें डाली है, उसके ऊपर फिर दोबारा हमने दोबारा कस्टर्ड ऐड किया है उस पर।
तो वो हमारा हो चुका है, वो अब हम फ्रीज़र में रख देंगे ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। दूसरी साइड पे मैंने पैन रखा है, तो मुझे सालन तैयार करना है। तो अब हम जो सालन बना रहे हैं वो चिकन भी है और गर्दन है और चांपे हैं, तो वो मिक्स है, तो वो उसका मैं सालन बना रही हूँ, तो वो मैं भुना हुआ रखूँगी। तो बस मैंने ऑयल डाला है उसमें, पैन में थोड़ा सा गरम मसाला हम डालेंगे। सबसे पहले हम जो है वो दालचीनी का टुकड़ा ऐड करेंगे इसके अंदर, वो थोड़ा सा अच्छी तरह से उसका फ्लेवर आ जाना चाहिए ऑयल में। तो फिर उसके बाद हम गरम मसाले शामिल करेंगे और तकरीबन एक अदद प्याज मैंने ली है और उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है, वो मैं डालूँगी। तो बस प्याज का कलर चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा कलर डार्क नहीं करना है। तो अब हमने इसमें चिकन शामिल कर दी है और चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे इसके अंदर ताकि चिकन का कलर भी चेंज हो जाएगा। तो फिर हम बाकी अपने सारे स्पाइसेस इसमें डालेंगे। और बस 2 दिन से थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे, क्योंकि मुझे मैदे में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा पेन है मुझे पेन मैदे में। अगर आप लोगों को किसी को इस मामले में कुछ पता हो तो ज़रूर बताइएगा। दो टेबल स्पून जो है वो मैंने भर के लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल किया है और 1 टेबल स्पून भर कर ही हरी मिर्च का जो पेस्ट हमने किया था ग्रीन चिलीज़ का, वो हमने शामिल किया इसमें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें टमाटर डाल देंगे हम, 2 अदद टमाटर लिए मैंने दरमियाने साइज़ के। अब इसमें 2 ही चम्मच जो है हमारा लाल मिर्च पाउडर जाएगा, थोड़ी सी हल्दी और तकरीबन 1.5 चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है। एक से तकरीबन 1.5 चम्मच जो है हमने नमक इसमें शामिल कर दिया है और उसे अच्छे से भून लिया है। ठीक है, अब दूसरी साइड पे एक और पैन रखा है मैंने। सालन मेरा तैयार हो गया था, अब जो है मैं पुलाव की तैयारी कर रही हूँ, मटर पुलाव बनाने की। तो ऑयल गरम हो जाएगा तो अब हम इसमें ज़ीरा डालेंगे, गरम मसाला शामिल करेंगे। पहले तो सबसे पहले हमने दालचीनी का टुकड़ा डाला है और दालचीनी का टुकड़ा जो है वो इसीलिए डाला जाता है दालचीनी का टुकड़ा ताकि उसका फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से आपके ऑयल में आ जाए। उसके बाद हमने ज़ीरा डाला है, थोड़े से गरम मसाले, से काली मिर्चें और लौंगे होंगी,
अब हम प्याज इसमें शामिल कर देंगे। बस प्याज का कलर थोड़ा सा गोल्डन होगा तो फिर इसमें हम मटर शामिल करेंगे। तकरीबन एक प्याली मैंने मटर लिया था जो कि फ्रोज़न थे मटर, तो उन्हें अच्छी तरह से धो लिया है मैंने और वो इसमें शामिल कर दिए मैंने, क्योंकि मैं मटर जो है वो फ्रीज करके रख देती हूँ तो मुझे बहुत आसानी हो जाती है उसकी वजह से। लहसुन अदरक पेस्ट हमने डाला और इतना ही तकरीबन हमने लाल मिर्च सॉरी हरी मिर्च का जो पेस्ट था वो हमने शामिल किया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम दही शामिल करेंगे, तकरीबन 3 से 4 चम्मच हमने भर के दही लेना है। इसे इतना भुनना है कि जो दही का कलर है वो ख़त्म हो जाएगा और वो अच्छी तरह से भुनाई में आ जाएगा और जो पानी आपको नज़र आ रहा है वो चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। बस इसे अच्छे से भून लेंगे हम। देखिए अच्छी तरह से पक रहा है और दही ने भी अच्छा खासा पानी अपना छोड़ा है इसमें। तो ये देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है इसका और अब हम इसमें तकरीबन हमने 1 कप जो है वो चावल लिए थे तो हमें उसी हिसाब से तकरीबन 2 कप जो है तो पानी डालना चाहिए, लेकिन हम 2 कप नहीं 2 कप से कम पानी लेंगे। तकरीबन 1.5 कप या 1.25 कप हमने पानी लेना है और वो इसमें शामिल करना है। हमेशा जब भी चावल बनाए तो उसका मेजरमेंट जो है वो अपने एक हिसाब के साथ रखिए कि आपको उसका अंदाज़ा होना चाहिए। और 2 चम्मच जो है हमने नमक डालना है इसमें। बस अच्छी तरह से बॉईल आ जाएगा तो फिर हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। तीन अदद मैंने हरी मिर्च भी इसमें शामिल की हैं और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला मैं डालूंगी। जो भी मैंने ताज़ा पीसा था वो तो गरम मसाला मैंने इसमें ऐड किया है। देखिए बॉयल आना शुरू हो चुका है। बस अब हम चावल इसमें शामिल करेंगे।
इसे थोड़ा सा करके और उसे ढककर रख देंगे हम। इसे चलाएंगे बॉइल आ जाएगा, तो फिर अब हम इसको ढक देंगे। जब चावल का पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा तो हमने दूसरी साइड पे चावलों को शिफ्ट किया है और इस साइड पे हमने तवा रखा है और तवा अच्छी तरह से हमने गर्म कर लेना है। फिर उसके बाद हमने चावल जो है वो इस साइड पे रखकर और उसे दम पर रख देना है। दूसरी साइड पे जो है, क्योंकि इफ्तार का टाइम होने वाला है, तो दूसरी साइड पे मैंने सालन दोबारा रखा है और उसका फ्लेम जो है वो भी ऑन कर दिया है। तो उसे भी दोबारा से मैं अच्छे से भून लूँगी सालन को। और आप ये देखिए, मतलब फ्लो हमारा रेडी हो चुका है तकरीबन, अब बस दम पर रखा हुआ है, पानी उसका खुश्क हो चुका है। बस लास्ट टाइम पर जो है हमने इसमें केले कट करके डाले हैं, क्योंकि अगर मैं पहले से केले इसमें डाल देती तो वो ब्लैक होना शुरू हो जाते जब तक अफ्तार का टाइम होता। और इसके ऊपर जो है गार्निशिंग हो रही है, थोड़ी सी क्रीम हमने ऐड की है। और ये देखिए सालन बिल्कुल तैयार है। और दूसरी साइड पे मैं आपको चावल भी दिखाती हूँ, चावल भी रेडी है। तो बस अब थोड़ा सा इफ्तार का इंतजार है। मुकाबला हो रहा है, फिर ईद तो मुझे होगा। किसका? फाद का और मेरा होगा। फाद का और आपका? ठीक है भाई, डन ना। अभी देखो बढ़ नहीं है, अभी बढ़ी नहीं है, मतलब ईद तक बढ़ जाएंगी आपकी। तो फहद, तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका आंसर जरूर देना। आइडियल पर्सन हो भाई आप तो फहद के। भाईजान मेरी आइडियल पर्सन है। उफ, हमसे पूछो। रोजा लग रहे है? लग रहे है? सुबह तो मुझे बहुत बड़ा भाषण देके गए थे कि ओफो बेगम दूसरा रोज़ा है, तुम्हें रोज़ा लग रहा है। मुझे तो नहीं लग रहा। आपका क्या हाल है? हाल बेहाल है। हाँ, हाल बेहाल है, सुर है ना ताल है। अच्छा, और बाबा आपको, आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि इस वक्त और मेरा मियाँ जो है यस यार, इसका कुछ करो। ये मैं, मुझसे जो गलती हो चुकी है ना दीवार पर, ये बहुत बुरी लग रही है। बेगम तुम गलतियाँ करने के लिए पैदा हुई हो और मैं उन्हें सुधारने के लिए, है ना? ये ख़राब होगी, पूरी वॉल ख़राब हुई है। बस कर दो, बस कर दो। बस कर दे, क्या है? करो 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 करो। तो बस अब इफ्तार का टाइम हो चुका है, तो हमने मतलब टेबल पर चीज़ें लगाना शुरू कर दी हैं, मैंने खाना निकाल लिया है और बस दुआ करेंगे। तो दुआओं में हमें भी शामिल रखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।